खबरों के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं पीपीसी न्यूज चैनल। वाराणसी जनसा थाना क्षेत्र के सत्तनपुर स्थित वंडा नदी में मृत पशुओं के मिलने का सिलसिला जारी है। सत्तनपुर वंडा नदी के तटीय गांव के लोगों में आक्रोश। 23 अगस्त 2019 को मिले थे मृत 8 पशु। मृत पशुओं के कान में लगे थे टैग। 26 और 27 अगस्त 2019 को वंडा नदी में फिर मिले 2 मृत पशुओं का शव। 1 पशु का कान था गायब। वाराणसी राजा तलाव SDM अमृता सिंह बोली, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई। वाराणसी PPC रिपोर्टर घनश्याम सिंह के साथ प्रशांत पांडे की ये रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताइए। संतोष कुमार सरोज, पूर्व PPC, ग्राम सत्तर, पोस्ट रईसीपुर, जिला वाराणसी, थाना जनसा। क्या मामला है बरुणा नदी में जो ये पशुओं का शव मिल रहा है? 23 तारीख को 8 गाय आई, 8 में टैग लगा था। पुल पर थोड़ा सा पानी कम था इसलिए रुकी थी, बाद में घटा ऊपर गया और गंध से हम लोग परेशान थे। फिर क्या हुआ? फिर अधिकारियों को हम लोग सूचना करवाए तो आए, देखे तो बहवा दी उसको। फिर उसके बाद पशु यहाँ मिले कि नहीं? पशु मिले मौके पर न। अब इधर बीच अभी आया, 26 तारीख को एक आई बड़ी गाय, उसमें भी टैग लगा था, वो बह गया पानी के सहारे। अच्छा, आज 27 तारीख है, आज भी एक आ रहा है, आप उसका भी टैग लगाया कि पानी में। गायों के मृत गायों का सिलसिला रुक नहीं रहा? नहीं रुक रहा है, हम लोग परेशान हैं। ये पुल में रुकता है तो परेशानी आ जाती है। हम लोग पूजा पाठ है, मंदिर है, वो गंध आता है, पब्लिक घूम के आपस जाती है वहाँ से पुल पर। आप लोग इस मामले में प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोका जाए कैसे भी करके। माने मृत पशुओं को वरुणा नदी में नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, यही आपका कहना है? ठीक, ओके। माने घर के गार्ड